अगर सच्चाई सीखना वैज्ञानिक का लक्ष्य है तो उसे खुद को उस सभी का दुश्मन बनाना होगा जो वह पढ़ता है। क्या बात है लैला? कुछ नहीं दादाजी, बस कल के विज्ञान वर्ग के बारे में थोड़ी चिंतित हूँ। मुझे एक प्रदर्शन देना है दादाजी। ये तो मजेदार बात लगती है, मजेदार। मुझे यह समझाना होगा कि हम कैसे देखते हैं, और मेरे पास ये सभी आरेख हैं जिन्हें मैं नहीं समझ पाती हूँ। मैं असफल होने वाली हूँ, हर कोई कल मुझ पर हंस रहा होगा। और सच्चे वैज्ञानिक की खोज कुछ समय यह वास्तव में बाहरी की दुनिया को समझने के लिए कुछ आरेखों से अधिक लेता है। यही सच है। ये देखो हमारे पास क्या है। तुम्हारे जन्म से 1000 साल पहले एक महान सभ्यता पृथ्वी पर फैल गई। केंद्र में बगदाद के महान शहर ने उदय किया, जहाँ पर खलीफा मंसूर ने शासन किया। शांति की उसकी इच्छा में खलीफा का मानना था ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार उन्होंने अपनी महाकाव्य खोज शुरू की। पूर्व से पश्चिम तक दुनिया के ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए ग्रीस, मिस्र और फारस से प्राचीन पुस्तकें एकत्र की गई थी। चीन, अफ्रीका और भारत से ज्ञान अरबी में अनुवाद किया गया। दुनिया भर से कई पुरुष और महिलाएं आईं, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों से। भूमि के पार उन्होंने ज्ञान और उत्कृष्टता के घर बनाए। सैकड़ों वर्षों तक काम करते हुए 1001 आविष्कार और प्रतिभा के प्रतीत करते हुए उन्होंने सीखा और फैलाया, जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने में मदद करेगा, हमेशा हमेशा के लिए। हम देखते हैं क्योंकि प्रकाश किरणें वस्तुओं को दर्शाती हैं और उनकी छवि हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ओहो बच्चे, बकवास। महान ग्रीक विद्वान यूक्लिड, उन्होंने हमें सिखाया है कि हमारी आंखों से चमकती किरणें बाहर निकलती हैं और ऐसे हम देख पाते हैं। पर मेरे पास यहाँ पांडुलिपि है ग्रीक विद्वान एरिस्टोटल से। जवान इब्न-अल-हैथम, अपने सूत्रों को और समझदारी से चुनो। महान बहस है, भव्य सिद्धांत, लेकिन प्रमाण कहाँ है? पासरा से मेरे दोस्त, सच्चाई तक तुम्हारा रास्ता कठिन होगा, विश्वास रखो। लेकिन बहस, तर्क एक सच्चे वैज्ञानिक बनने के लिए काफी नहीं है। रुको रुको, सच्चाई की तलाश करने वालों रुक जाओ। देश के सर्वश्रेष्ठ दिमागों के लिए मैं काहिरा के शानदार शहर से आया हूँ, हमारे शासक अल हाकिम भी अमरिल्लाह के संदेश के साथ। हमारे प्यारे मिस्र को प्रकृति के शक्तिशाली बल से खतरा है। महान नदी नील, जब इसमें बाढ़ आती है तो यह हमारी जमीन को नष्ट और तबाह कर देती है। हमारे शासक ने सुना था कि यहाँ इस सभा में एक आदमी है जो मानता है कि इस महाकाव्य के लिए एक स्मारकीय समाधान है, नील नदी के पार विशाल बांध बनाने के लिए। ये निडर विद्वान अपना कदम आगे रखे, अपने आप को सामने लाए और वीर अनुपात के इस ऐतिहासिक कार्य को अपनाए। ये मैं हूँ, अल हसन इब्न-अल-हैथम। हाँ, मेरा मानना है कि एक बांध जरूर बनाया जा सकता है। मैं इस मिशन को स्वीकार करता हूँ। जागरूक रहो मेरे दोस्त, जागरूक। ये निश्चित रूप से तुम्हारे लिए खतरे का मार्ग है,
क्योंकि तुम्हारा जीवन इस शासक की दया पर होगा। अपने आप को तैयार करो निडर विद्वान, हमारे पास बर्बाद करने का समय नहीं है। और ऐसे इब्न-अल-हैथम ने सदी की सबसे बड़ी चुनौती को जब्त कर लिया। शक्तिशाली नदी नील को रोकने के लिए उसके प्राचीर से फिर क्या हुआ? फिर इब्न-अल-हैथम का क्या हुआ? उसने नील नदी पर बांध क्यों नहीं बनाया? उसके असफल होने की अलग अलग कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक बांध के निर्माण से नील नदी का हिस्सा कई गांवों को नष्ट कर देगा। पर उसको क्या हुआ? खलीफ ने उसके साथ क्या किया? चंद्रमा के प्रकाश की किरणें इस छोटे से छिद्र से सीधी प्रकाश रेखा में जाती हैं, जैसे कि आंख के सामने का भाग, और इस तरह से हम देखते हैं। ये कमरा प्रमाण है। मैं सही था। बहस और सिद्धांत केवल शुरुआत के प्रयोग थे और उन्हें अपनी भूमिका निभानी थी। यहाँ इब्न-अल-हैथम ने सत्य की खोज की। एक अंधेरे से भरा कमरा, और अब उसके पास सबूत है। उन्होंने प्रकाशिकी की अपनी पुस्तक में 7 अध्याय लिखे। कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिससे तुम और मैं अभी भी अज्ञात हैं। जैसे चांद आसमान में इतना छोटा दिखाई देता है, फिर भी क्षितिज पर आँख से इतना बड़ा दिखाई देता है। हमारे शासक गायब हो गए हैं और अब और नहीं रहे। अपनी खोज जारी रखो वैज्ञानिक।
इब्न अल हैथम के पृष्ठों के साथ मुस्लिम विश्व का स्वर्ग युग आया, जहां उन्होंने दूसरों का नेतृत्व किया। उनकी बुद्धि के नाव पर नए विचारों का निर्माण हुआ। यूरोप में उसको अल हाजम के नाम से पुकारा गया। कई खोज जो हम आज जानते हैं, उनके दिमाग में उनकी शुरुआत हुई। तो अगली बार जब तुम उस कैमरे के साथ एक तस्वीर लोगी, या फिर सिनेमा घर में कोई फिल्म देख रही होगी, या फिर अपना गृह कार्य कर रही होगी, हमेशा उन वैज्ञानिकों के संघर्षों को याद रखना जो हमसे पहले आए थे, और याद रखना आइज़ैक न्यूटन के शब्द, अगर मैंने आगे देखा है तो यह है क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधे पर खड़ा रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वो दिग्गज कौन थे। अब काम पर वापस। दादाजी, ये तो कमाल है। इस प्रयोग को मेरी कक्षा में ले जाने और इब्नुल हैथम के बारे में बताने का मैं इंतजार नहीं कर सकती। मुझे बस अभी याद आया कि मेरे पास अन्य विषयों पर भी प्रयोग हैं, बहुत सारे प्रयोग। इतने सारे प्रयोग कि हम उस पर काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा अगला प्रयोग रसोई में रात के खाने की तैयारी के लिए होना चाहिए। आओ।